वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। सो यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, और यदि उस सेंटेंस में अदर वर्ड है ऑब्जेक्ट है तो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डू और डज के प्रयोग में विशेष ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही सी इट और नेम, तब उस सब्जेक्ट के साथ आपको डज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डू प्रयोग करना है। इसके लिए मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तब स्ट्रक्चर हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है क्या मैं हंसता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मैं, आई के साथ मैंने आपको क्या बताया डू प्रयोग में आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से करेंगे, डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, हंसता, हंसना वर्ब है, तो यहाँ पर लाफ लिखेंगे। और चूंकि सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ। क्या मैं जानता हूं, डू आई नो। क्या हम लोग जानते हैं, डू वी नो। क्या हम लोग तैरते हैं, डू वी स्विम। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या तुम काम करते हो, डू यू वर्क। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। क्या आप लोग नाश्ते हैं, डू यू डांस। क्या आप लोग नाचते हैं, डू यू डांस। अब यहाँ पर देखो कहता है क्या वह पढ़ती हैं। देखो पहली बात तो वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए डज प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात कि वाक्य अंत में हैं, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हैं आदर सूचक है, इससे प्लूरल का बोध यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड। क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड। क्या वह रोती है, वह क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए डज प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज सी वीप। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। क्या वह गाता है, डज ही सिंग। क्या राम रोता है, डज राम वीप। राम भी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए मैंने डज प्रयोग किया। क्या सीता गाती है, डज सीता सिंग। क्या वे लोग टहलते हैं, डू दे वॉक।
क्या ये लोग तैरते हैं? डू दे स्विम? क्या लड़का हंसता है? डज द बॉय लाफ? लड़का क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए मैंने डज प्रयोग किया। क्या लड़के हंसते हैं? डू द बॉयज लाफ? और लड़के क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए मैंने डू प्रयोग किया। क्या रम कम करता है? डज रम वर्क? क्या रम और मोहन काम करते हैं? डू राम एंड मोहन वर्क? यहां पर एक चीज आप देखो, राम और मोहन एक से अधिक नाम है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए मैंने डू प्रयोग किया। ठीक है, क्या राम और मोहन काम करते हैं? डू राम एंड मोहन वर्क।